अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दोस्तों माय चैनल क्रिकेट लवर्स। दोस्तों आज न्यूजीलैंड और नेदरलैंड की टीमों के दरमियान पहला T20 मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अगर दोस्तों हम दोनों टीमों की अगर अब तक बात करें, प्लेइंग 11 की बात करें और दोनों टीमों की बात करें उनके खिलाड़ियों में, तो न्यूजीलैंड का स्क्वाड अगर देखा जाए हमें, तो उसमें मॉर्टन गप्टन जो कि एक मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन है न्यूजीलैंड की तरफ से और T20 के मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर और T20 के टॉप स्कोरर्स में से हैं अब तक। उन स्कोरर्स में हैं रोहित शर्मा के दर बाद, जिन्होंने T20 में अब तक बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं। उनके साथ हैं एन फेलन जिन्होंने 11 मैचेस खेले हैं, डेरेक लोडर जिन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, मिचेल्स जो कि ऑलराउंडर हैं जिन्होंने अभी तक 30 T20 मैचेस खेले हैं, ग्लेन फिलिप्स भी न्यूजीलैंड के एक एक एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की तरफ से दोस्तों अब तक 39 मैचेस खेल चुके हैं। जिमी नेशम न्यूजीलैंड के एक बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट न्यूजीलैंड क्रिकेट का। जिमी नेशम 43 मैचेस खेल चुके हैं अब तक। जिमी नेशम एक बहुत बड़े ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। अच्छी बैटिंग करते हैं, साथ अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद मिचेल सेनेटर जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन भी हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, अच्छे स्पिनर्स। और मिचेल सेनेटर और ईशान साउदी की जोड़ी काफ़ी मशहूर थी न्यूजीलैंड में, स्पिन डिपार्टमेंट में अभी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मिचेल सेनेटर जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं साथ, और इन्होंने अब तक 67 मैचेस खेले। ईशान सोदी ने अब तक 71 मैचेस खेले हैं। ईशान सोदी एक अच्छे बॉलर न्यूजीलैंड की तरफ से। और लॉगी फर्गसन 18 मैचेस ही खेले हैं, लेकिन एक पेस न्यूजीलैंड का एक तकड़ा पेस, एक जो कि 150 प्लस के ऊपर से बॉलिंग करते हैं। बिन सीन्स फास्ट बॉलर हैं न्यूजीलैंड के, जिन्होंने अब तक 4 ही मैचेस खेले हैं, और टिकर जिन्होंने 9 मैचेस खेले हैं। ये थी दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम। अगर हम इसके बाद स्कॉटलैंड की टीम का अगर देखा जाए, सॉरी नेदरलैंड की टीम का अगर देखें, तो नेदरलैंड की भी टीम एक जो कि मजबूत एक टीम नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि नेदरलैंड की टीम इस मैच में कैसे खेलती है। नेदरलैंड की तरफ से दोस्तों स्कॉट एडवर्ड्स जो कि टीम के विकेट कीपर भी हैं, कैप्टन भी हैं, 41 मैचेस खेल चुके हैं और एक तजर्बाकार खिलाड़ी। लोगन विन बीक जो कि 15 मैचेस खेल चुके हैं। मिक्स ओवर्ड ने 48 मैचेस खेले हैं नेदरलैंड की तरफ से अब तक। गगन कंगना ने 9 मैचेस खेले हैं। बेस्ट डी लीड्स जिन्होंने 22 मैचेस खेले हैं। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। T1 में कम जिन्होंने 40 मैचेस खेले हैं नेदरलैंड की तरफ से। आर्यन भट्ट 5 मैचेस खेल चुके हैं। क्वालिफायर ने 2 मैचेस खेले हैं। रियान कैनन जो कि अभी डेब्यू करेंगे अगर आज के मैच में। शहराज अहमद ने भी 5 मैचेस खेले हैं। टिम बिगल